अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राहिल जावेद है और ये वीडियो बहुत स्पेशल है। उसके दो रीजन, नंबर वन, इट्स माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब और उसके साथ साथ ही इट्स माय फर्स्ट डे इन यूके। Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it one. तो जब आप यूके में आते हो तो आपको चार ऐसे ज़रूरी काम है जो बहुत ज़रूरी करने होते हैं। नंबर वन इज़ टू कलेक्ट योर बीआरपी कार्ड। बीआरपी कार्ड, ब्रिटिश रेजिडेंस परमिट कलेक्ट करने के लिए आपको एक लेटर मिलता है। जब आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट करने जाते हो वीएफएस में, उसी में आपको एड्रेस लिखा होता है कि जहाँ से आपने बीआरपी कलेक्ट करना है। मुझे जो एड्रेस लिखा हुआ था वो पोस्ट ऑफिस का एड्रेस था और यहाँ के जो पोस्ट ऑफिस हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। वंस यू कलेक्टेड योर बीआरपी कार्ड, उसके बाद दूसरा प्रोसेस होता है वो आपका मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर के लिए आपके पास बहुत से ऑप्शंस होते हैं। मोबाइल में आपके पास ई, O2, 3, वोडाफोन, लिबारा, इस तरह के डिफरेंट ऑप्शंस हैं। मैंने वोडाफोन चूज किया, क्यों? क्योंकि मैं पहले भी ऑस्ट्रेलिया में ये वोडाफोन यूज करता था। ऑस्ट्रेलिया की कहानी किसी और दिन बताएंगे। मुझे जो वोडाफोन है उसमें मैं £20 पे कर रहा हूँ। उसके साथ मुझे अनलिमिटेड कॉल्स और टेक्स्ट मैसेज मिले हैं यूके में, और उसके साथ मुझे मिला है अनलिमिटेड डेटा, वो भी 5G के साथ। और तीसरे नंबर पे यहाँ पे बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो आपका बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के लिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे बार्कलेस, नेटवेस, लॉयस और HSBC। लेकिन यहाँ पे आप इनमें से किसी में भी अकाउंट नहीं खुलवा सकते जब तक आपके पास BRP पासपोर्ट मोबाइल नंबर के साथ साथ आपके पास प्रूफ ऑफ एड्रेस हो। प्रूफ ऑफ एड्रेस आपको यूनिवर्सिटी से मिल जाता है, लेकिन अगर आप में इतना स्टूडेंट नहीं है तो आपके पास प्रूफ ऑफ एड्रेस नहीं होगा। उसके लिए आपके पास सिंपल सा हाल है, आप ऑनलाइन बैंक में अकाउंट खुलवाते हो। ऑनलाइन बैंक का मतलब ये दोनों फिजिकल बैंक नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप पैसे विड्रॉ, डिपॉजिट और इसके साथ साथ पेमेंट वगैरह सब कुछ कर सकते हो। इसलिए आपका ये करंट अकाउंट होता है यूके के अंदर, लेकिन सिंपल फिजिकल बैंक नहीं होता। और चौथे नंबर पे आपको सबसे जरूरी होता है नेशनल इंश्योरेंस नंबर। आप कोई भी जॉब कर रहे हो यूके में तो आपको NI नंबर चाहिए होता है। मेरा जो NI नंबर है वो मेरे BRP कार्ड में लिखा हुआ था, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो और आपका BRP कार्ड नहीं लिखा हुआ तो उसका सिंपल सा प्रोसेस है, आप gov.uk में जाइए और नेशनल इंश्योरेंस का सिंपल सा जो फॉर्म है उसको फिल आउट करें और उसको भर दें। आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, उस रेफरेंस नंबर पर भी आप जॉब कर सकते हैं जब तक आपका फिजिकली नेशनल इंश्योरेंस नंबर लेटर घर पर नहीं आता। तो इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।